तो है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का अपना ब्लॉग रहने वाला है ईद उल अज़हा के ऊपर। तो ये ब्लॉग मैं एक दिन पहले ही डालने वाला था, मतलब और एक ब्लॉग शूट कर रहा था मैं, उसके लिए मेरे को टाइम हुआ, लेकिन वो सही प्रॉपर बना नहीं। मैं वो ब्लॉग बना रहा था अपने ईद के जानवर को, जो मैं डेकोरेट करने वाला था, मिलाने वाला था, पूरा वो ब्लॉग शूट चालू करा था, लेकिन सही से हुआ नहीं। तो वो ब्लॉग तो गया, अब मैं इसमें दिखाने वाला हूँ अपने ईद का जानवर और ईद उल अज़हा के सीन्स वगैरह कैसे रहते, वो इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अभी बज रहे रात के 3:30, सुबह नमाज भी जाना है, सोना या नमाज का वेट करना समझ में नहीं आ रहा है। चलो आप लोगों को मैं पूरा अच्छी तरीके से इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो बने रहो। अभी बज रहे रात के 3:30, ऐसी सोचा है कि अपने जानवर के साथ थोड़ा टाइम गुजारेंगे और वैसे आप लोगों को जानवर भी दिखा जैसा होता, क्योंकि नमाज जाना है 9 बजे की, तो आए तक क्या मालूम। चलो वैसे आपको जानवर भी दिखाता हूँ और मैं भी थोड़ा टाइम बिताता हूँ उसके साथ। चलो في غمرة بهجتنا هلو يلا اللي تحبون في حزتها العياد وش باقي غير العياد والعيد شرف بالحب الله يحيي ما دمنا مع بعضنا। छोटे थे जब से एक चीज़ सुनते आता था मैं कि जिस दिन कुर्बानी रहती उस दिन एक दिन रात पहले ये लोगों को मालूम पड़ता कि ये लोग अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहे बोल के। और ये चीज़ असल में रहती क्योंकि इसको ला के इतने दिन हुआ, जब तक इन छीने नहीं दे रहा था, नज़दीक आने नहीं दे रहा था, बस इसको दूर दूर से छीना पड़ रहा था, एक साथ ऐसा सांस सांस छोड़ रहा था गुस्से में, नज़दीक आने नहीं दे रहा था किसको भी। आज नज़दीक जाके हाथ भी फिरा तो खामोश बैठ रहा, आज एकदम आँखों में पानी आता ये लोगों को कि कैसा कट करना, कैसा कुर्बानी देना बोल के। उतने आज ये लोग उतने ऐसे क्या बोलते वैसे हरकत करते। देखो है अभी भी थोड़ा गुस्से में है, गुस्से वाला है, नज़दीक आने नहीं दे रहा था, फिर भी इसको निलाना करना था तो टाइम ही नहीं जमे कुछ भी मेरे को, घर के काम, दोस्तों के काम वगैरह वगैरह। ईद का व्लॉग एंजॉय करो आप लोग। और एक चीज़ जो मैं अपने हर साल की कुर्बानी में और अपने इस बल्कि ने सबके कुर्बानी के जानवर में ये चीज़ गौर करी हूँ कि ईद से एक दिन पहले रात में ये लोगों की आँखों में एक अलग ही चमक रहती। ये देखो ये हमारा जानवर है, शायद फ्लैश की वजह से नहीं दिख रहा इसका, हमारे बाजू वालों का जानवर दिखा तो आप लोगों को। देखो इधर यहाँ दिख रहा था एकदम आंख भरी हुई रहती है लोगों की, फ्लैश की वजह से शायद आप लोगों को दिख रहा नहीं, लेकिन आँखों से दिखता है ऐसा कि एकदम आँखों में पानी भरा हो रहा था ये लोगों के। इससे एक दिन पहले वो बोलते कि लोगों को दिखते रहता आँखों में फिरते रहते था कुछ के कुर्बानी होने वाली है, लोगों कटने वाले हैं बल्कि कुछ ऐसा। गुस्से में बाबा बहुत ऐ, जब से गुस्से में था वैसे भी छोड़ो इन। अभी मैं हो गया पूरा रेडी, अभी जा रहा हूँ कार चेंज करने, घर पे ये कार थी, अपने को क्रूज लेना है थोड़ा ईद की नमाज जाने के लिए। पूरा रेडी वेडी हो गया, आँखों में नींद भी है और ईदगाह जाने का प्लान है इंशाल्लाह पूरा। अभी उधर ऑफिस में आने वाले हमजा और आतिफ, तो चलो ऑफिस पे चलेंगे और देखते रहो। अभी हम पहुँच गए ऑफिस के पास, तो अपने को ये गाड़ी पार्क करके वो गाड़ी लेना है, ये कार में जाना है अपन लोगों को क्रूस। इसको भी साफ सफाई करना था, टाइम ही नहीं है। अभी अपने हमजा बेग और आतिफ खासदार आ गए, अभी हम जा रहे हैं हागर का ईदगाह। देख सकते हैं आप हागर का ईदगाह की रोड है ये। अब बस आप लोगों का एक सिनेमैटिक्स देखो ईदगाह के और लोगों के कैसा कैसा रहता है, आपको इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये खास करके लिए आप लोगों के लिए कार, थोड़ा ये सनरूफ का बटन मारो, सनरूफ में थोड़ा आपको लोगों को पूरा व्यू दिखाना ईदगाह का बोलिए, खास करके लिए आज इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले नमाज को चलेंगे, उसके बाद देखिए ये सनरूफ से आपको पूरा व्यू दिखाना है इंशाल्लाह। चलो बने रहो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला
पहुंच गए मोहम्मद ईदगाह हगरगा, हमर साहब ईदगाह भी नाम से जाना जाता है। पब्लिक उतनी नहीं है जितनी स्टार्टिंग में थी, पब्लिक कैसा है डिवाइड हो गई हिस्सों में, मस्जिदों में वगैरह, लेकिन अपन ने को जितना इन्फॉर्मेशन है कि ईदगाह की नमाज, ये ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना थोड़ा ज़्यादा अफजल है, बल्कि इतना मालूम है। तो अपन अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह में हो रही अपनी। والعيد شرف بالحب الله يحيي مدنا مع بعضنا دامت مسعي دامت مسعي فيه الفرحة معهودة افرح وانسى احزاني فيه الضحكة معسولة تعبها بكل اشجاني। सभी को अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। एक सीन हो गया, हम कार के पास है, कार की चाबी जेब में नहीं है, देखिए इंशाल्लाह खुलती है नहीं। और चलो अल्हम्दुलिल्लाह खुल गई। कार की चाबी कहाँ रखे थे भाई? हम कहीं था थी चाबी बाहर पड़ी हुई थी क्या है? फोटोज यहाँ लेते हैं, ईदगाह में तो हर कोई लेता है जी, अपन थोड़ा कुछ नया तरीके से लेंगे। चलो कहाँ लेंगे? बाहर जाएंगे। देखो माशाल्लाह पूरा ईदगाह का सीन। क्या है आप लोगों को पब्लिक के सीन नहीं दिखाया था, पब्लिक के सीन आप थोड़ा एक्सपीरियंस करो। पब्लिक कम हो गई फिलहाल, लेकिन है थोड़ा कैमरे में रिकॉर्ड करें जैसी, तो पब्लिक है। सनरूफ से दिखा दो आपको पूरा व्यू। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला अपनी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज। अभी यहाँ से जाना है घर पे, घर वालों से मिल के कब्रिस्तान जाना है, और थोड़ा हमारे ईद के जानवर के साथ फोटोज भी लेना है मेरे को, देखेंगे टाइम जमता है या नहीं जमता। नमाज पढ़े तक अपने को टाइम हो गया 10 बजे के करीब, तो देखेंगे इंशाल्लाह कैसा कैसा होता, क्या कहना है आपको इंशाल्लाह पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी जा रहे घर पे, घर वालों से मिल लेंगे, उसके बाद कब्रिस्तान जाएंगे। और एक बात ये है कि मैं ये बात सबको मालूम है समझा था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। मैं ठहरे हुआ था नमाज से पहले, तो एक हमारे भाई साहब जो है सिगरेट पी रहे थे। जो ईद उल अज़हा का जो नमाज से पहले रोज़ा रहता, बल्कि सुनते आया मैं बचपन से अब तक, ईद उल अज़हा की नमाज से पहले रोज़ा रहता बल्कि सुनियो मैं, हिरन जो है अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती, पैर जो अपना मतलब अगर बच्चा दूध पीने भी आया तो पैर अपना उठा लेती है, बल्कि सुनियो मैं तो नमाज पढ़े तक रोजा रहता, जब तक ना कुछ खाना रहता ना कुछ पीना रहता, बल्कि सुनियो। तो ये लोगों को ज्यादातर मालूम नहीं है ये बात की, तो ये मालूम होना आप लोगों को भी बल्कि बना रहा हूँ। और एक बात ये है कि आज एक बयान में बहुत एक अच्छी बात बोले मुझ साहब के, हम बाजार से जानवर खरीद के लाते उसको जुबा करते, लेकिन हमारे अंदर के जो जमीर के अंदर, हमारे जमीर के अंदर जो जानवर है हम उसको जुबा कब करेंगे? तो हमारी दीन और दुनिया दोनों सफल है बोलने की बात, तो बहुत प्यारी बात दिखी ये भी, इसके लिए आप लोगों से शेयर करें। बकरीद की सबसे खास बात यही है कि जिसके घर में कुर्बानी होती उन्हें चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, एंड में नाइट पेंट टी शर्ट पहनना ही पड़ता। तो नमाज से आने के बाद मैं सो गया था, अभी काटने वाले आए बोल के उठाए मेरे को, तो चलो आपको वो थोड़ा सीन दिखाता। पूरा ज़िबा करके पैक करे तक अपने को बच गए 7:30 रात के, क्योंकि हमारे जो काटने वाले आए थे 1 बजे से 3:30 बजे तक उनका कटिंग चला, फिर वहाँ से पैकेजिंग करने के लिए पूरे 7:30 बज गए, सुबह से खाना भी नहीं है। रही बात ज़िबा करने का, मैं आप लोगों को क्यों नहीं दिखाया बोले तो, हमारे मामू बोले कि मुझे साहब बयान करेगा थे मस्जिद में कि अपने जानवर का जो ज़िबा करते अगर उसका एक फ़ोटो या क्लिप कुछ भी लिए तो वो जानवर हम पे हराम होता गए थे, तो इसके लिए मामू बोले कि वो क्लिप मत ले कुछ भी, ऐसा वीडियो वगैरह काट रहे सो बोल के। सोचा था मैं कि एक क्लिप लेना छोटा नशीद वगैरह कुछ भी लगा के डालना बोल के सोचा था, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद पैकिंग पे लग गया, तो अभी तक देख रहे होंगे आप हालत मालूम पड़ रहा कितनी थकान भी अभी बांटना बाकी है।
और बांटने का तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। मैं हर टाइम एक तीन से चार जो खास दोस्त हैं उन लोगों को देता हूँ, साथ वालों को, बाकी का पूरा गरीबों में तकसीम कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं जितना मेरे से हो सकता है। अभी सुबह से खाना भी नहीं है, थोड़ा खाना खा लेता हूँ फिर फ्रेश होता हूँ। तो फिर से हो गया वापस रेडी। अभी देखो इतने सारे पैकेट्स देना बाकी है। अभी बज रहे 8:30 के करीब टाइम हो रहा, देखेंगे इंशाल्लाह 10-11 बजने वाले हैं अभी बाटे तक, देखेंगे इंशाल्लाह। चलो دامت مساعي अभी अपने जो खास खास दोस्तान थे उन लोगों का हो गया। अभी जो जरूरतमंद है उन लोगों को देने के लिए जा रहा हूँ। अभी अपनी हो गई जो थैली फिनिश, अभी जाएंगे जितने भी बचे हुए परनिया पैकेट्स पूरे भर के, वन शॉट पूरे खाली। चलो उतना एक देख लियो और वीडियो खत्म कर देंगे। دامت مساعي अभी बज रहे रात के 4:15। पूरी एडिटिंग शूटिंग वीटिंग कंप्लीट हुए तक अपने को रात के 4:15 बज गए। अभी एडिट हो गए, अभी अपनी गैलरी में नहीं आया ब्लॉग, अभी एडिटिंग चालू है थोड़ी। ब्लॉग एंड कर देना बोल के होटल में बैठे हुआ हूँ, वैसे थोड़ा चाय भी पीना बोल के। ये था मेरा ईद उल अजहा का ब्लॉग, कैसा दिखा कमेंट सेक्शन में बोलो, और अगर अच्छा दिखा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बस अल्लाह हाफिज़।